Hi, welcome back to my channel. And today again I am with a new topic which is preposition, the use of on. तो चलिए start करते हैं. सबसे पहला point है surface. अगर किसी चीज़ का surface होगा तो उस केस में आप on लगाएंगे. तो चलिए example देखते हैं. The book is on the table. जो बुक है वो टेबल के सरफेस पर है, इसलिए यहाँ पे ऑन आया है. द बुक इज ऑन द टेबल. ओके, सेकेंड है डे एंड डेट्स के लिए. वी हैव अ मीटिंग ऑन मंडे. आपको ये देखना है कि अगर यहाँ डेज नेम लिखे हैं लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगेन मंडे, तो उस केस में आपने क्या लगाना है, उन डेज के नेम से, वीक डेज के नेम से पहले आपने ऑन लगाना है. अच्छा, डेट के लिए क्या एग्जाम्पल है, लाइक माय बर्थडे इज ऑन 3rd of December. ओके, तो यहाँ पे तारीख से पहले क्या आया, ऑन आया, तो ये ध्यान रखिएगा. थर्ड है हमारा स्पेसिफिक डेज. कोई स्पेशल ओकेजन है या कोई स्पेशल डे जो आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं या आपने कोई डिसाइड किया हुआ है स्पेसिफिक डेज को कुछ करने के लिए, तो उस केस में भी हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे. तो एग्जांपल देखते हैं. वी विल सी यू ऑन न्यू ईयर्स ईव. हम आपसे नए साल को मिलते हैं या नए साल पर मिलते हैं. ठीक है, इसको इस तरीके से समझिए कि अब हम आपसे नए साल पर मिलते हैं, तो उस केस में भी हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे. ठीक है, फोर्थ है हमारा अटैच्ड और फिक्स्ड. कोई चीज़ अगर अटैच है और फिक्स है, ठीक है, जैसे कि दिस पेंटिंग इज ऑन द वॉल, दिस वाइट बोर्ड इज ऑन द वॉल. ठीक है, तो क्या है, सपोर्ट है या हमने फिक्स किया है यहाँ पे, तो उस हिसाब से ये सेंटेंस आपको समझ में आएगा. ठीक, कॉन्टेक्ट और सपोर्ट, किसी चीज़ का कॉन्टेक्ट हो रहा हो या सपोर्ट मिल रहा हो, तो उस केस में देखिए, द कप इज ऑन द सॉसर. चाय की प्याली होती है, तो प्याली क्या है, प्याली उसका सपोर्ट है, और चाय का कप उस प्याली पे रखा हुआ है, दैट मीन्स कि कॉन्टेक्ट हो रहा है प्याली और उसका कप से, क्या हो रहा है, कॉन्टेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो इस केस में हम ऑन का प्रयोग करेंगे. टॉपिक और सब्जेक्ट, किसी टॉपिक और सब्जेक्ट को लेके अगर बात हो रही होगी, जैसे कि लेट्स डिस्कस द रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. ठीक है, उसके बाद है यूजिंग डिवाइस और टूल. अगर हम कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, कोई डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या आएगा, ऑन आएगा. जैसे कि ही इज़ टॉकिंग ऑन द फोन, क्योंकि फ़ोन एक डिवाइस है, बात करने का एक ज़रिया है. ठीक है, अगर कंडीशन हो या कोई स्टेट, कोई स्थिति बताई जा रही हो, कोई हालत या हालात बताए जा रहे हो, तो उस केस में भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे. जैसे कि शी इज़ ऑन अ डाइट. ठीक है, देन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हो जिसमें पब्लिक ट्रैवल करती हो, तो उस केस में आई विल मीट यू ऑन द बस, मैं आपसे बस में मिलूँगा. यहाँ पे बस पर नहीं है, बस में है, बट हम प्रयोग किसका करेंगे, ऑन का. वैसे तो ऑन की हिंदी होती है पर, लेकिन आपको बहुत फोकस्ड होके इस प्रेपोजिशन को लगाना है, इसलिए इतनी कैटेगरीज है. एक बार आप अगर जान लेंगे कि इन कैटेगरीज के साथ ही ऑन का यूज़ होता है, तो कभी ऑन को लगाने में सेंटेंस के अंदर या पहचानने में गलती नहीं होगी आपसे. लास्ट एंड फाइनल एक्टिविटी. ओके, तो एक्टिविटी, अगर कोई एक्टिविटी हो रही हो, तो उस केस में ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. किसी चीज़ के बारे में अगर हमें बताना हो या उसके बारे में एक्टिविटी हो रही हो, तो उस केस में भी हम ऑन का प्रयोग करेंगे, तो ही इज़ वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. इसी के साथ हमारी आज की क्लास फिनिश होती है. फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ. और तक बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए चैनल को, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आपके काम आने वाली, और बहुत बेसिक एंड जेन्युइन तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ,